तो भैया जवान पैसे छापने वाली मशीन बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में 575 करोड़ की कमाई की है पूरी दुनिया से। अगले दिन जवान 600 करोड़ से अधिक की कमाई कर लेगी। जवान ने पहले दिन पूरी दुनिया में 125 करोड़ की कमाई की और वहीं सिर्फ भारत में पहले दिन 75 करोड़ की कमाई की, जो कि किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग है। और दूसरे दिन जवान ने सिर्फ भारत में 53 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड 109 करोड़। और जवान के तीसरे दिन के वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो पिछले दिन से बहुत अधिक थी, यानी 140 करोड़। और तीसरे दिन भारत की भी कमाई अधिक थी, वो थी 77 करोड़। और भाई साहब चौथे दिन की बात करें तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 156 करोड़ की बिजनेस की थी और चौथे दिन भारत में 80 करोड़ गर्दा उड़ाकर। वहीं पांचवे दिन जवान ने वर्ल्ड वाइड 52 करोड़ की कमाई की है। और जवान ने एक और कमाल कर दिखाया है। जवान भारत में सबसे तेजी से 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। जवान ने भारत में 6 दिनों में 300 का आंकड़ा पार कर लिया, जिसे पठान ने 7 दिनों में और गदर 2 ने 8 दिनों में किया था और दंगल ने 13 दिनों में, संजू ने 16 दिनों में और टाइगर जिंदा है ने भी 16 दिनों में किया था और पीके को भी इस आंकड़े को पार करने में 17 दिन लग गए थे। अब ये देखना है कि जवान गदर 2 को कमाई के मामले में पीछे छोड़ पाता है या नहीं। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस तरह से जवान आगे बढ़ रहा है दिल्ली दूर नहीं है। लेकिन अगर गदर 2 की घरेलू कमाई की बात करें तो 613 करोड़ है और जवान की 380 करोड़। तो जवान भी अपने रफ्तार में है, लेकिन गदर 2 भी अब पठान को पीछे छोड़ने वाला है। भारत में पठान ने 654 करोड़ की कमाई की है और वहीं गदर ने अभी तक 613 करोड़। बस कुछ ही दूरी है गदर 2 के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि जवान गदर 2 और पठान से भी आगे जाएगी, जो कि रिकॉर्ड्स देखकर पता चलता है। अगर जवान किसी भी तरह से कमाई के मामले में गदर 2 और पठान को पीछे छोड़ देता है तो उसके बाद जवान को भारत में कमाई के मामले में नंबर 1 पे आने के लिए 3 और फिल्मों को पीछे छोड़ना होगा, जिसमें तीसरे नंबर पे आती है RRR, जिसने भारत में 944 करोड़ का बिजनेस किया है। और दूसरे नंबर पे आती है KGF चैप्टर 2, इसने 1008 करोड़ की कमाई की है। और पहले नंबर पे आती है बाहुबली 2, जिसने 1429 करोड़ का बिजनेस किया है। इन्हें पीछे करना जवान के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये भी बात है कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कुछ कहना है तो कमेंट कर लो। चलो बाय।